आपका स्वागत है शो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो ये एक एक्सरसाइज है ऑडियंस के लिए पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए आ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे करियर के स्टार्ट में मैं एक इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ में एक रिलेटिव भी काम करते थे मेरी मासी काम करती थी उन्होंने मुझे बैठ के ये बताया कि आपके तीन सबसे बेस्ट ट्रेड्स क्या है वो लिखिए Hmm. तो मैंने लिखा फिटनेस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग मुझे पता है कि ये तीन चीजें मैं कर सकता हूं इसलिए बी एस की शुरुआत हुई मतलब एक्चुअली yeah. वहां से हमने एक फिटनेस स्टार्टअप स्टार्ट करने की ट्राई करी पर दैट लेड टू बी एस विच अगेन यूज फिटनेस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग योर सेल्फ बिल्कुल uh, बहुत की तो ये एक बेस लेवल रिक्वेस्ट है ये करो खुद के तीन या पांच बेस्ट चीजें लिखो एक पेपर पे उसे एक साइड पे रख दो तो, अभी बैक टू द फॉर्मूला फोर सीज तो हमने कोलेबरेशन की बात करी कि लोगों को कैसे हैंडल करते हैं आपके टीम के साथ आ, काम को आगे कैसे बढ़ाते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर झगड़े हो रहे हैं तो उन झगड़ों को सॉल्व कैसे करते हैं कन्फ्रंटेशन ऑल दिस इज विद इन कोलेबरेशन आई फील जो आप स्पोर्ट्स से सीख सकते हो और जो आप कॉलेज कमेटी आई ऑल्सो फील कि अगर आप वो फाउंडर्स ऑफिस में काम कर रहे हो अगर आपके फाउंडर अच्छे लीडर है तो उन्हें सवाल पूछ के आप सीख सकते हो बिल्कुल। कि अब मैं क्या करूँ मुझे मेंटरिंग दो मतलब ओल्डर प्रोफेशनल से आपने बिल्कुल सही कहा कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कैसे हो हैं ये काफी प्रैक्टिस है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जाइए ये जो एक हम सोच लेते हैं ना कि मैं अम्बेरस हो जाऊंगा hmm. देखिए आज मैं आपके सामने बैठ के बोल पा रही हूँ और अच्छे से बोल पा रही हूँ मैंने काफ़ी स्टेज पे भी बोला है बट ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से ये आता है देर वॉज अ टाइम इन ग्रेड सेवन कि मुझे एक इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना भी नहीं आता था राइट right? तो कोई सीख के नहीं आता बट अगर आप अपने अंदर ये रखो कि इट्स ओके टू गेट एम्बेरस्ड मैं एक बार गलत करूँगा दो बार गलत करूँगा उसके बाद धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा तो वो प्रैक्टिस से ही तो आएगा सो पुट योर सेल्फ इन द अनकम्फर्टेबल सिचुएशन एंड देन इम्प्रूव ऑन इट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश किए हैं यूट्यूब की वजह से मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स वीडियोज देखे हैं hmm. और उन स्किल्स को मैंने अप्लाई करा कैमरे uh, के सामने एंड स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा में कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश होते गए आपने खुद को फीडबैक दिया कि ये हाँ. ठीक नहीं लग रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है खुद की वीडियोस देखता था और जहां मेरी खुद की अटेंशन स्लिप हो रही थी आई रियलाइज किया अच्छा यहां गलती हो रही है Hmm. या एक वीडियो को को बहुत ज़्यादा व्यूज मिले आई वो वो एनालाइजिंग कि मैंने क्या किया इसमें लोगों कि लोगों ने देखा ऐसे hmm. uh, तो वो, दूसरा करियर करियर के के स्टार्ट में मैं रोड पे जाता था सब्सक्राइब करने के लिए uh, uh, हाँ, uh, 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 हाँ, uh, डालोट दीज आर द टू बिग कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट वो आप कॉन्फिडेंस मिल गया कि अच्छा लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं हाँ. <laughs> मेरी बातें सुनकर मतलब देर मस भी समथिंग इन दिस ये सेल्स स्किल्स भी होती है बेसिक लैप कन्विंस कर रहे हो ओके सेकेंड सी डन कम्युनिकेशन स्किल्स और कोलेब्रेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं एक और टिप देना चाहूँगा जो आपने इंग्लिश के बारे में कहा बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लाइक like, हिंदी हमारी मातृभाषा है मुझे बहुत प्यार है हिंदी से पर एक ईगो बना कर नहीं रखना चाहिए कि नहीं इंग्लिश सीखनी ही नहीं इंग्लिश भारत में एक स्किल है उसे स्किल की तरह ट्रीट करना चाहिए अभी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करते हैं मूवीज देखो किताबें पढ़ो आई ऑल्सो फील की एक अंडर रेटेड एस्पेक्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग इज डिक्शन किस तरीके से आप बोलते हैं एक्सेंट आपका एक्सेंट कम्प्लीटिंग वर्ड्स वोकल ग्रामर ये प्रॉब्लम होते हैं भारत में uh, और एटलीस्ट मैंने ये सॉल्व किया है अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्टेंट देख कर और ऑब्जर्व करके uh,

ऐसे मतलब इट्स अबाउट प्रैक्टिस अगेन ओके थर्ड सी ये एक्चुअली आप हेल्प कर पाओगे क्रिटिकल थिंकिंग आई एम श्योर आपने एम बी ए कॉलेज में भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया होगा एंड कंसल्टिंग बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग ही है hmm. तो इसे ग्रूम कैसे करते है देखिए क्रिटिकल थिंकिंग होता है हर चीज़ को तोड़ के उसके पीछे का वाय समझना और फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको सॉल्व करना राइट right? तो जैसे बहुत बार बिज़नेस सिचुएशंस में होता है आप बोलेंगे मेरा मार्केट शेयर नहीं इम्प्रूव हो रहा मेरा मार्केट शेयर गिर गया है लेकिन आपका मार्केट शेयर क्यों गिरा है क्या कोई कंपटीशन आ गया है जो आपका मार्केट शेयर ले गया है क्या इंडस्ट्री ऐसे चेंज हो गई है कि आपकी प्रोडक्ट अब यूज़ ही नहीं हो रही है कि और कोई और प्रोडक्ट ही सब्सटीट्यूट बन गया है तो उस प्रॉब्लम के ड्राइवर्स को समझना और उसमें से फिर डेटा रिसर्च करके फिगर आउट करना कि हाँ ये प्रॉब्लम है ये मार्केट में एंट्री हो गई है इसीलिए मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा एंड हैंस आई नीड टू अटैक दिस उसको मैं कहूँगी कि ये हाँ क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है ये हर रोल में मैं ये नहीं कहूँगी कि को ज़्यादा चाहिए और इन्फ्लुएंसर्स को नहीं चाहिए हर रोल में आप जहाँ भी हैं लाइफ में आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए बिकॉज जब तक आप रूट कॉज नहीं समझ पाओगे किसी चीज़ का आप उसको सॉल्व कैसे करोगे पर इम्प्रूव कैसे करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स देखिए मैंने इसको हाँ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स बट सिर्फ प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करके अप्रोच करेंगे तो शायद ना हो मैंने सीखा है अपनी जॉब में अगर आप कहें तो मैंने सीखा है अपने सुपरवाइजर्स से मैंटर्स से जब आपसे कुछ नहीं सॉल्व हो रहा और सामने आप देखते हो कि वो बिज़नेस प्रॉब्लम को वाइट बोर्ड पर डालते हैं और बोलते हैं ये चार रीजन हो सकते हैं स्वाति पता करो इनमें से कौन सा रीज़न है वो फिर आपको एक आदत डल जाती है राइट अभी भी मेरी लाइफ में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अगर आ जाए कि नहीं ही सॉल्व हो रहा ये इतना बड़ा टास्क हो जाता है कभी कभी कि ये प्रोजेक्ट करना है नहीं सॉल्व हो रहा तो मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा इसको अचीव करने के लिए कौन सी चार चीज़ें करनी पड़ेंगी और ये चार चीजों में से कौन सी है जो मुझे थोड़ी डर लग रहा है कि ये नहीं मुझसे होगी बट तीन हो जाएंगी तो चलो मैं ये तीन कर लेती हूँ और ये जो चौथा है इसको मैं हेल्प ले लेती हूँ किसी और को मेरी टीम में आता होगा तो उस हिसाब से आई सॉल्व इट ओके और लास्ट सी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते क्रिएटिविटी को Uh, देखिए जब मैं कॉलेज में थी और जब आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हो तो आपका एक माइंडसेट होता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ शायद मैं तो बहुत मैथमेटिकल हूँ मैं बहुत ब्लैक एंड वाइट हूँ मुझसे ये पेंटिंग हमारा ना स्कूल में माइंड होता था क्रिएटिविटी मतलब पेंटिंग फाइन आर्ट्स ये सब नहीं होता मुझसे तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि क्रिएटिव मै एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन तो क्रिएटिविटी की बातें ना करें पर जब मैं कंसल्टिंग में गई तो मुझे पता चला कि गेटिंग द राइट सल्यूशन फिगरिंग आउट की क्या चार ऑप्शन हैं और उनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी क्रिएटिविटी है और उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो किया है और काफ़ी बुक्स में ये लिखा है कि एक स्टेट होता है स्टेट ऑफ फ्लो जिसमें आप अन इंटरप्टिड दो घंटे तीन घंटे आप डीप फोकस के साथ काम करते हो एंड दैट्स वेन द बेस्ट क्रिएटिविटी कम्स आई एम श्योर जब आप अपने पॉडकास्ट या स्क्रिप्ट लिखते होंगे तो यू आर इन द स्टेट ऑफ फ्लो अब विद सो मच डिस्ट्रैक्शन यू नो फ़ोन बजोरा हो रहा है ई मेल आ रहा है एट्सेट्रा लोग वो टाइम नहीं ब्लॉक करते टू गो डीप और वहाँ क्रिएटिविटी सफ़र कर जाती है मैं मानती हूँ कि हम सब में क्रिएटिविटी है बट अगर हम उसको लेवरेज करें ये दो घंटे मेरा फोकस टाइम मैं कुछ नहीं करूँगा सिर्फ सोचूंगा और क्रिएटिवली सोचूंगा कभी कभी बाथरूम में नहाते नहाते भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं मुझे तो आते हैं तो that's how you polish it you give yourself that time and your brain to go into that zone and say you know hmm. this is that idea hmm. uh i think four c's ki baat ho gayi uh the only thing i will add to creativity is uh khud ke creative inspirations thode se dhoondo jaise mujhe मैं films आजकल नहीं देखता पर classic films देखता हूँ जो मैंने बचपन में देखे हुए हैं टॉप गन गॉड फादर और वहाँ से मुझे वीडियो इंस्पिरेशन मिल जाती है कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए या एक्चुअली मुझे आजकल रील्स से क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिल जाती है बिल्कुल मैं कॉपी नहीं करता बट यू गेट इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड कि हाँ अभी मैं खुद का कुछ क्रिएट करूंगा uh, और अगर क्रिएटिविटी रन रनआउट होगी तो मैं ट्रैवल करने जाता हूँ आई सीक आउट एक्सपीरियंस वहाँ से क्रिएटिविटी रीफिल हो जाती है अभी पी और डी की बात करनी है पी पैशन डी डिसिप्लिन पैशन की बात वैसे हो चुकी है अब काफ़ी आई फील की अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए और जहाँ आपका दिल खुश है that could be a possible passion. बहुत लोग आपसे पूछेंगे और मुझसे भी पूछते हैं कि पैशन फाइंड आउट कैसे करें हमें तो पैशन मिला नहीं है आज तक तो वहाँ अगेन आई वॉन्ट कि की एलिमिनेशन करते जाइए और बहुत लोग ना एक डेडलाइन लेके बैठ जाते हैं कि पच्चीस साल की उम्र तक पैशन फिगर आउट करना है वो नहीं करना है और आप ट्राई करते और कमिट करके थोड़ा डिटेल में जाइए तो मुझे कभी नहीं पता था कि टीम वर्क विल बी अ पैशन बिकॉज स्कूल में तो कभी <laughs> किया ही नहीं है हमेशा अल्फा फर्स्ट आना है क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठना है बट धीरे 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 समझ आया कि यार लोगों के साथ काम करने में ही मज़ा आता है <laughs> और फिर समझ आया कि उस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ किसी लाइफ में कोई इम्पैक्ट हो रहा हो तो मैंने हेल्थ केयर किया तो मज़ा आया एजुकेशन किया तो मज़ा आया तो मैंने कहा नहीं एजुकेशन या हेल्थ केयर ही करना है लाइफ में और क्योंकि हेल्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है विद बायो जागन्स एट्सेट्रा मुझे लगा कि एजुकेशन में मैं ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी और अब हर रोज़ मजा आता है क्योंकि आप अपने सामने देख रहे हो उन स्टूडेंट्स को ग्रूम होते मेरे स्टूडेंट्स जो एक साल पहले थे और जो आज हैं बहुत डिफरेंस है और उसको देख के इतना प्राउड फील होता है एंड दैट्स पैशन फॉर मी डी डिसिप्लिन आई मीन हम इसके बारे में एक सेंटेंस में भी बता सकते हैं और एक ऐसे में भी बता सकते हैं सेंटेंस में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बस ये बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट ये मैंने खुद के लाइफ में ऑब्जर्व किया कि अगर डिसिप्लिन एज अ हैबिट क्रिएट है लाइफ के लिए तो कॉलेज के टाइम में फिटनेस में घुसो hmm. क्योंकि वहाँ ना ही आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करेंगे पर रूटीन ओरिएटेड थिंकिंग हो जाएगी आपकी कि चाहे मेरा दिन कैसा भी हो पाँच बजे या छः बजे मुझे वर्कआउट करना ही है या स्पोर्ट्स खेलनी है डांस करना ही है कोई ना, है। ना कोई एक्टिविटी सीकआउट करो और हर दिन आ, उसे रूटीन बना के आ, फिटनेस को अपनाओ अपनी लाइफ में दैट्स माई हैक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स और ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट होनी चाहिए वो मैंटेलिटी होनी hmm. चाहिए hmm. ना hmm. ना कि यू गेट योर सिक्स पैक यू लूज फाइव के जीज जो भी योर स्टोरी इज एन आउटकम ऑफ योर रूटीन्स यस योर लाइफ इज एन आउटकम ऑफ योर यही मेन चीज़ है और आई फील कि वही रूटीन बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए कॉलेज में इट विल हेल्प यू इन वॉट एवर जॉब यू गोन टू वेर यू गोन लाइक एक लास्ट पॉइंट बचा है इस लाइफ सक्सेस के मैथमेटिकल फॉर्मूला में और वो है एम मेंटल हेल्थ आई फील कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है हर किसी हुँ. के लिए अलग चीज़ों की वजह से उनके मेंटल हेल्थ को बेनिफिट्स मिलेंगे एक ही कॉन्स्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी विच इज थेरेपी हर किसी को जाना चाहिए क्योंकि आई फील कि अक्सर थेरेपी में आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो शायद आपको खुद भी नहीं पता था कि ये आपके बचपन के ट्रामाज है और hmm. किसी ने एक बार कहा था कि द नेचर ऑफ चाइल्ड हुड इज़ ट्रामेटिक फॉर एवरी वन हर hmm. किसी के चाइल्ड हुड में को, कोई ना कोई ट्रामाज होते हैं hmm. अक्सर आपको खुद पता भी नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे बचपन में hmm. पर उन ट्रामाज को लेकर बैठना नहीं चाहिए उन्हें सॉल्व भी करना चाहिए और एक गुड थेरेपिस्ट आपको उन ट्रॉमास को सॉल्व करने में हेल्प कर देगा थेरेपी डेटिंग की तरह होती है नॉट ऑल द थेरेपिस्ट विल सूट योर पर्सनैलिटी तो अगर आपको कोई अच्छा थेरेपीस्ट मिल गया स्टिक टू दैट पर्सन अगर आप थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते आई वुड डेफिनेटली से फिजिकल हेल्थ और मेंटल फिटनेस पर फोकस करना चाहिए फिजिकल हेल्थ यानी ये जिमिंग स्पोर्ट्स एट्सेट्रा स्लीपिंग ऑन टाइम हेल्दी डाइट और मेंटल फिटनेस मेरे अकॉर्डिंग मेडिटेशन कि मैंने खुद बहुत फायदे देखे हैं बहुत बात करी है इसके बारे में मोदी जी के साथ भी बात करी इसके बारे में, <laughs> इसके बारे में। पर uh, uh, आप कुछ ऐड करना चाहोगी ये मेंटल हेल्थ एंगल में हाँ बिल्कुल एंड uh, मुझे इसमें लगता है कि हर इंसान बहुत अलग है तो जैसे आपने बोला कि थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए uh, मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ हमेशा फैमिली से आती थी जब भी मैं अपनी फैमिली के आसपास पास हूँ और जब भी मुझे अपनी लाइफ में उनके साथ टाइम मिलता है तो मेरी मेंटल हेल्थ सही रहती है चाहे कितना भी स्ट्रेस हो कुछ भी हो बट वो मेरी प्रायरिटी है इनफैक्ट जब मैं वाटन से वापस आई थी तो बहुत लोगों ने बोला कि यू से कौन वापस आता है लोग तो यूएस जाते हैं वहाँ सेटल होने के लिए तुम वापस क्यों आ रहे हो और मेरा क्वेश्चन था कि वाई नॉट अपने घर तो आप वापस आओगे ना क्यों नहीं आओगे तो मेरे लिए उसका रीज़न भी जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया और समझा तो ये था कि मुझे मेरी फैमिली के पास रहना था क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो अब वो क्यों है हो सकता है अब ब्रिंगिंग है चाइल्डहुड है मैं हमेशा से ही अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज रही हूँ बट मेरे लिए वही खुशी है तो मैंने अपनी लाइफ ऐसे डिज़ाइन की तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ किस या आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ से आती है और फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो मुझे पता था कि इनफैक्ट मेरी शादी के बाद भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही कंडीशन रखी थी कि हमारा घर मेरे मम्मी पापा के घर से पाँच मिनट की दूरी पे होगा तो ही शादी होगी अब आप उसे अकड़ कह लीजिए कुछ भी कर लीजिए बट मुझे पता था कि मैं खुश नहीं रह पाऊंगी अगर मैं हर सैटरडे संडे घर नहीं जा सकती तो फिगर आउट करना कि आप किससे खुश हैं और अपनी लाइफ वैसे डिजाइन करना आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है Actually, हाँ। तो उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ